तो आज हम बात करेंगे अगली टॉपिक जो कि है हमारा फॉर्मेटिंग मेथड। जैसे कि मैं लास्ट क्लासेज में आपको बताया था प्रवीण जी कि हम कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट में उसकी फॉर्मेटिंग बहुत मायने रखती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास डेटा है, इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग्स है, इसके अंदर जो रिपोर्ट्स है, उन रिपोर्ट्स में खासियत यह है कि हम रिपोर्ट बाद में देख रहे हैं, फॉर्मूला हम बाद में देख रहे हैं। हम पहले क्या देख रहे हैं? पहले हम देख रहे हैं इसकी फॉर्मेटिंग। हम इसकी फॉर्मेटिंग सबसे पहले देख रहे हैं। तो ये फॉर्मेटिंग जो हमारा है ये कैसे करेंगे, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ये कैसे बॉर्डर लगाया जाता है या कैसे कलर लगाया जाता है, इतना चीजें तो आप जानते ही हैं, इतना मुझे तसल्ली है कि इतना चीज आप जानते ही। लेकिन कुछ ऐसे फॉर्मेटिंग ट्रिक्स होते हैं जो मुझे आपको पता नहीं होंगे, वो आपको बताना जरूरी है। तो क्या है फॉर्मेटिंग ट्रिक्स? जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे टेंथ लिखना चाहता हूं, तो हम टेंथ के बाद टीएस दे के स्पेस मारेंगे तो नहीं, ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन एमएस वर्ड आपके पास अगर खुला हुआ है तो देख सकते हैं कि अगर मैंने एमएस वर्ड में टेंथ के बाद टीएस डाल के स्पेस मारा तो देखिए ऊपर चला गया, ऊपर चला जाएगा टेंथ। इसको यहां पे कैसे ऊपर जाएगा? एक्सेल में इसको राइट क्लिक कीजिए फॉर्मेट से और यहीं पे आप कर दीजिए सुपरस्क्रिप्ट। हेलो सॉरी सर, मेरा मोडम री स्टार्ट हो गया था, पावर फैक्चर होने का। तो हम बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पे टेंथ लिखा है कैसे लिखें, तो मैं दोबारा बता देता हूं। इसके लिए हम यहाँ पे टीएच करेंगे और फिर डबल क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिएगा, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और इस पे हम सिलेक्ट करेंगे सुपरस्क्रिप्ट। तो डबल क्लिक किया हमने टीएच को सिलेक्ट किया, देन सुपरस्क्रिप्ट किया, ऐसा करते ही आप ऊपर देखिए टीएच आ गया। ऐसे मुझे 10 डिग्री लिखना है तो 10 और स्मॉल में ओ लिखेंगे, 10 एंड स्मॉल में ओ लिखेंगे, इस ओ को सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल और यहां सुपरस्क्रिप्ट को सिलेक्ट करें। ऐसे आपको 10 स्क्वायर लिखना है तो यहां पे 102 लिखेंगे, 2 को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और सुपरस्क्रिप्ट। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम है, ये आपको भी दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं एंटर प्रेस करके करके एडिट मोड से बाहर निकलूंगा, इस सेल से बाहर निकलूंगा तो देखेंगे 102 होगा, क्योंकि जो सुपरस्क्रिप्ट है वो आपका नंबर्स पे वर्क नहीं करता है। सुपरस्क्रिप्ट आपका नंबर पे वर्क नहीं करता, तो इसके लिए आप सिंगल कोट लगाइए और 102 को लिखिए, फिर इस पे डबल क्लिक कर राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और यहां सुपरस्क्रिप्ट, देन ओके कर दीजिए। अब 10 स्क्वायर हो गया। ये चीजें तो हो गई, लेकिन अब एक प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं कि मान लीजिए मेरे पास इस तरह के नंबर्स हैं, मुझे इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे करने पे क्या होगा कि एक एक कर जाएंगे, ओ लिखेंगे, फिर इस ओ को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करके ओके करें, तब जाके होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कॉन्केट करके ओ लिख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा ओ लिखने के बाद भी आपको डिग्री लगाने के लिए डबल क्लिक करके ओ को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि पूरे सेल पे क्लिक करके आप अप्लाई करेंगे तो पूरे के पूरे सेल को वो सुपरस्क्रिप्ट करेगा, ना कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो इसके लिए हम एक छलावा, एक विजुलाइजेशन क्रिएट करना होगा। हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इसके बगल वाले सेल में ओ लिखेंगे और इस ओ को कॉपी कर पूरे डेटा पे पेस्ट कर देते हैं, सब पे हो गया। इस कॉलम को एकदम छोटा करेंगे और इसको मैं यहाँ टॉप में और यहाँ लेफ्ट में कर देता हूं। अब मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट कर दूंगा। लेकिन अभी भी समझ में आ रहा है कि अलग अलग सेल पे है, तो इसका एक और काम करेंगे, इनको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद
इनकी जो बैकग्राउंड, इसकी जो बैकग्राउंड कलर है उसको व्हाइट कर देंगे। व्हाइट इसलिए करेंगे ताकि जो लाइनिंग दिख रही है वो लाइनिंग ना दिखे। अब बेटर लग रहा है, इसको और आगे बढ़ाना है तो राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, बॉर्डर्स पे जाएंगे और हम ऊपर के, साइड के, बाहर के, नीचे के और बीच का बॉर्डर लेंगे। ए वाली जो बॉर्डर होती है उसको नहीं लेंगे एंड ओके। अब आपको अगर ऊपर ए बी और ई को जो है, डी और ई को ना देखे या इसको मैं यहां पेज लेआउट से इसको अनहाइड कर दूं तो आपको ये बता नहीं सकते कि दो अलग अलग सेल में लिखा हुआ, आपको लगेगा कि एक ही सेल में लिखा हुआ है। ठीक है सर, आया समय सर? यस सर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं सर। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब बॉर्डर की ही बात हुई है, उससे पहले एक चीज और हम देखते हैं। और इसमें एक चीज और, एच टू ओ आपने किया, टू को नीचे करना है तो सेलेक्ट करके फॉर्मर सेल और यहां पे हमने सब स्क्रिप्ट लिख दिया, सब स्क्रिप्ट किया ये नीचे आ गया। तो सुपर स्क्रिप्ट से आगे, सब स्क्रिप्ट से नीचे। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें एक पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट करना, जैसे ये पैराग्राफ को आपको दिख रहा है, मुझे इस पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट करना है। तो इस पैराग्राफ को यहां से हम सेलेक्ट करते हैं और फिर मुझे एक सेल पे तो होगा नहीं, इसलिए हम कई सारे सेल को सेलेक्ट करते हैं और इसको करते हैं यहाँ पे मर्ज। होम में गए, यहां करेंगे मर्ज। अब मर्ज करने के बाद यहां हम इस पे डबल क्लिक करेंगे और इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। याद रखिएगा, डबल क्लिक करके पेस्ट करना है, डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना है। डबल क्लिक एंड पेस्ट, डबल क्लिक करके हमने पेस्ट किया, आपके सामने यहां दिख गया। उसके बाद मैं यहां पे क्या करूंगा, रैप टेक्स आपको दिख रहा होगा, रैप टेक्स करूंगा और यहां हमारा पूरा का पूरा आएगा। अब थोड़ा सा ये पूरा नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मुझे कॉलम बढ़ा देता हूं यहाँ नीचे तक। एक मिनट, पेज लेआउट पे जाके हम यहाँ ग्रिड लाइन को व्यू कर देते हैं जिससे हम यहाँ से इसकी साइज को बढ़ा सके। देखिए अब थोड़ा सा इसकी साइज को भी छोटा कर लेते हैं, टेक्स्ट साइज को बड़ा है। अब सही है, दिख रहा है? अब मान लीजिए इसमें ऑनलाइन वीडियोज यहाँ पे गलत लिखा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैसे बताओगे कि ऑनलाइन वीडियोज गलत है? तो इस पे आप डबल क्लिक करो, ऑनलाइन वीडियोज को सिलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद बाकी देखिए यहाँ डिसेबल है बट फॉन्ट एनेबल होता है डबल क्लिक करने के बाद, एडिट मोड में जाने के बाद राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और यहीं पे हम करते हैं कलर इसकी रेड ताकि लाल दिखे। और जो कलर रेड हो रही है सिर्फ जो सिलेक्ट हमने ऑनलाइन वीडियो किया उसी की हो रही है, पूरा टेक्स्ट की नहीं हो रही है क्योंकि हमने डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया। उसके बाद यहां से मैंने स्ट्राइक थ्रू यहां दिख रहा है, स्ट्राइक थ्रू को सिलेक्ट कर दिया एंड ओके कर दिया। तो अब देखिए, अब क्लियरली यहाँ पे हर किसी को मैसेज जा रहा है कि हाँ ये ऑनलाइन वीडियोज यहाँ पे गलत तरीके से डाला गया है। देखिए ये चीजें तो इसमें नहीं हो सकती, इन चीजों को अगर आप इसमें करना चाहें तो इसमें नंबर्स पे करना चाहे तो मुश्किल होगा। नंबर्स पे अगर आप करना चाहते हैं तो नंबर्स पे मुश्किल होंगे। क्यों मुश्किल इसलिए होंगे क्योंकि जो आप यहां दिख पा रहे हैं नंबर्स को, अब इसमें मैं मान लीजिए 25 गलत है, इस पे अगर मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके और बॉर्डर में गया और इसमें मैंने स्ट्राइक थ्रू लगा दी, सॉरी यहाँ फॉन्ट पे था ना, फॉन्ट पे गया और स्ट्राइक थ्रू लगा दिया तो दिखेगा नहीं। लेकिन इसमें बेटर ये रहेगा कि अभी अभी जो मैं आपको बॉर्डर में बताया ना सर, वो करना चाहिए। इसी तरह से मोटा लीजिए, इसकी कलर रेड कर दीजिए ताकि हाईलाइटेड दिखे
और इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए एंड ओके। अब क्लियर मैसेज जा रहा है कि गलत। सही के लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाए और फॉर्मेट सेल में जाने के बाद आपको यहां से कलर चूज करना है और बॉर्डर लीजिए एंड ओके। सही करें शायद, लेकिन ये जो चीजें हैं, इन ये चीजों जो हमने बताया आपको, ये पार्ट ऑफ द फॉर्मेटिंग है। मतलब कि आपको इसके बिहाफ पे कोई कंडीशन या फिल्टर या सिर्फ क्रॉस वाले को अलग करना है, ऐसी कोई फिल्ट्रेशन ऑटोमेशन नहीं कर सकते। इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा यहाँ पे कि हम P लिखे, सही के लिए P और गलत के लिए O लिखे, सही के लिए P और गलत के लिए O लिखे। उसके बाद इनको सिलेक्ट करके आपके यहां फॉन्ट में बेडिंग टू या बाइंडिंग टू नाम का फॉन्ट होता है वो अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते ही क्या करेगा, जो पी था, यहां पी लिखा हुआ था, उसको टिक मार के निशान में विजुलाइज कर देगा और ओ जो था वो ओ को क्रॉस पे विजुलाइज कर देगा। ये दिखावे के लिए क्रॉस और टिक का निशान है, एक्चुअली में है पी और ओ। तो आपको इजिली यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं और इजिली फिल्टर से पी और ओ को अलग कर सकते हैं। ठीक है प्रवीण जी, समझ में आ रहा है आपको जी? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं सर। अब बात करते हैं कि ये तो पार्ट ऑफ फॉन्ट है ना, फॉन्ट किसका होता है, विंडो का पार्ट होता है। अब हो सकता है कोई ऐसा विंडो हो आपके पास जिसमें फॉन्ट अवेलेबल ना, या हो तो अनइंस्टॉल कर दिया हो किसी ने, या फिर करप्ट हो गया हो, ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इस केस में क्या करें, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं यहां पे, हम कैप्स में जे को लिख रहे हैं और यहां ये आपका अलाइनमेंट में ये इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहां आपका आता है ओरिएंटेशन। अब इस ओरिएंटेशन को -45 degree के एंगल कर रहा हूं, -45 degree, तो -45 degree पे टेढ़ा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। वे तिरछा हुआ तो आपके साथ देखिए एक सही तरीके से एक टिक मार्क के निशान में आ गया और क्रॉस के लिए एक्स तो हमारे पास आई ना, तो इसका इस्तेमाल कर सकते। अब एक चीज बताने के पीछे लॉजिक ये है कि आपका अगर कोई काम एक तरीके से ना जा रहा हो तो हम दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं जो तरीका बताया गया है उसके अलावा और भी तरीके से उस फंक्शन को यूज किया जा सकता है, तो जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से भी उसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। बात आती है कि ओरिएंटेशन को यही इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, और कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां हम एक छोटा सा बना रहे हैं, नेम लिख रहे हैं यहाँ पे, नेम में, और यहाँ पे हम अटेंडेंस बना रहे हैं। मान लीजिए जनवरी का अटेंडेंस हमने तैयार किया और आगे की तरफ मैं ड्रैग कर देता हूँ। फिर इसमें प्रेजेंट अब्सेंट जो है वो डाल देता हूं, फिलहाल तो पी डाल देता हूं, मान लीजिए प्रेजेंट अब्सेंट सब ये रहा आपका, और इसको सिलेक्ट करके मैं यहां से बॉर्डर लगा देता हूं और पूरे सीट को सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर देता हूं ताकि ऑटो फिट हो जाएगा। अब इस पीस को हम एक पेज पे प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। जब कंट्रोल पी करके प्रिंट व्यू में जाता हूं तो सबसे पहले तो 27 तक आ रहा है क्योंकि पोर्ट्रेट है, तो चलिए हम इसको लैंडस्केप कर देते हैं। फिर भी हमारा 10 तक ही आ रहा है, 10 तक ही आ रहा है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, पेज जो है वो A4 करते हैं और इसकी जो मार्जिन है
मार्जिन को हम इसको नैरो करते हैं, फिर भी ये आ रहा है। अब मुझे स्केलिंग करना पड़ेगा, जब मैं इसको फिट टू वन पेज करता हूँ तो देखिए कितना छोटा हो जा रहा है, पढ़ना मुश्किल हो पा रहा है, इसलिए इसको नो स्केलिंग पे रखना होगा। तो कैसे हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाते हैं डेटा, हम देखते हैं डेटा को। डेटा में मेरा जो डेटा है वो हमारा छोटा है बट हेडिंग हमारा बड़ा है। अब डेटा को भी प्रिंट करना है, एक पेज पे ही प्रिंट करना है, हेडिंग को भी शो करवाना है, तो कैसे करें इसके लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहां बॉर्डर इसमें अलाइनमेंट में आएगा, माफ कीजिएगा, अलाइनमेंट में आने के बाद इसको हम यहां से हम 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट रोटेट आप यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इधर यहां से भी रोटेशन आप कर सकते हैं। देखिए मैं इसको 90 डिग्री के एंगल पे यहां से रोटेट कर, फिर पूरी सीट को सेलेक्ट किया और किसी भी कॉलम के बॉर्डर पे डबल क्लिक किया तो देखिए क्या हुआ, आपका एक पेज में अब प्रिंट होने के लिए फिट हो गया। अब इसको इजीली हम एक पेज में प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है प्रवीण जी। ओके, एक पेज पे हम प्रिंट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारे पास रैप टेक्स्ट तो हमें पता है, पढ़ाई दिया था आपको, जैसे सुजीत कुमार लिखते हैं तो यहाँ पे अगर ए आगे जा रहा है तो इसको रैप करेंगे तो एक ही सेल में फिट हो जाएगा। टाइप करते समय रैप करना चाहते हैं तो आप ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाएगा जहां से आप तोड़ना चाहते हैं वहां पे। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा रैप ना हो, मतलब कि रैप करने से क्या होता है, रो बड़ा हो जाता है, कॉलम छोटा रहता है, या ऑटोफिट करते हैं तो कॉलम बड़ा हो जाता है। तो मैं रो को बड़ा करना चाहता हूँ ना कॉलम को बड़ा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जितना बड़ा साइज है उतने में टेक्स्ट फिट हो जाए। उसके लिए हम श्रिंक टू फिट करते हैं, इसी में आपको दिखेगा श्रिंक टू फिट कर सकते हैं। जैसे कॉलम बड़ा होगा ये बड़ा होगा, छोटा होगा तो छोटा होगा। उसके बाद इसमें आता है मर्ज, अगर आपने मर्ज सेल कर दिया तो पूरा का पूरा सेल मर्ज कर देगा। अगर मैंने इसको किया मर्ज अक्रॉस, जब मर्ज क्रॉस करेंगे तो इस तरह से क्रॉसली मर्ज करेगा, ठीक है सर, ये क्रॉसली मर्ज होगा। और फिर वापस अनमर्ज करना है तो जहां से आप अनमर्ज कर सकते हैं। बाकी छोटे मोटे नंबर की फॉर्मेटिंग है कि आप यहाँ पे क्विक फॉर्मेटिंग है, आप नंबर कर सकते हैं, जनरल करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, और यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। लेकिन बाकी जो नंबर की फॉर्मेटिंग है वो आपकी कल की क्लास में समझाएंगे, तो आज की वीडियो देख लीजिए और करने की कोशिश कीजिए। इसका नोट्स बना के मैं आपको दो पर तक भेज पाऊंगा, अभी नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि इसकी नोट्स नहीं बने हुए हैं, मुझे बनाने पड़ेंगे। ठीक है सर।